स्प्रे को कहाँ घुसा हुआ है। ओलू ओलू पागल है क्या? तो माइंड कैसे चलेगा? हट हट बोली तू उनको। हाँ वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल एंड बड़े दिनों बाद मैं व्लॉग कर रही हूँ। मैं सोच रही दोबारा से रूटीन में आ जाऊँ। एक्चुअली क्या है ना, यूनिट टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं बच्चों के, तो अब वो शुरू होने वाले हैं फर्स्ट से, मतलब 4 दिन के यूनिट टेस्ट है फर्स्ट से लेके 4th तक। बट उसकी प्रिपरेशन करानी भी बहुत ज़रूरी है। नैतिक तो कर लेगा बट मेरा मेन प्रॉब्लम प्रीशा है जो बहुत देर में करती है। सो सॉरी प्रीशा, मैं आपकी बुराइयाँ कर रही हूँ यहाँ पे, बट आप कर लोगी मुझे पता है। ये भी बोलना पड़ेगा नहीं तो गुस्सा हो जाएगी वीडियो जब देखेगी तो। पर ठीक है यार, उसके साथ बहुत मेहनत लगती है, पूरा दिन निकल जाता है मेरा, तो मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ। बस जो 2-3 घंटे मिलते हैं उसमें मैं कुछ रील वगैरह अपलोड कर देती हूँ, हो जाता है। बट हाँ, ये भी व्लॉग भी करना बहुत ज़रूरी है तो इसलिए। तो मेरे बैकग्राउंड को प्लीज़ गाइज थोड़ा सा इग्नोर करना। ये ना मेरे कुत्ते ने सारा वॉलपेपर यहाँ तक फाड़ दिया था पूरा। फिर मैंने क्या किया, मैंने पूरा ही इसको यहाँ तक फाड़ दिया है। अब मैंने इसको फिर अच्छे से POP करके, वो मैंने सोचा था कि पेंट वगैरह करूँगी बट टाइम ही नहीं मिला, काफ़ी टाइम हो गया उस समय से। तो इस बैकग्राउंड को सजाने के लिए मेरे को व्हाइट पेंट लाना पड़ेगा। व्हाइट पेंट नहीं, पहले देखूंगी इसका क्रीम टेक्सचर है ना, तो वो उसके बैकग्राउंड के लिए वो मैच करते हुए वो करूँगी। पर काम बहुत ज़्यादा है तो उसके बाद छोटे छोटे से मैं डिटेलिंग्स ऐड करूँगी, एज मुझे बहुत पसंद है यार ड्राइंग वगैरह करना। पर इस काम के लिए बहुत टाइम चाहिए, मैं जो कर नहीं पा रही हूँ। चलो मैं करूँगी, पर पक्का करूँगी। इस दीवार को डेकोरेट करके दिखाऊँगी आपको कि मैंने ये कैसा किया है। वैसे तो मेरे पास वॉलपेपर भी पड़ा है, मैं वो भी चिपका सकती हूँ, बट ठीक है ना यार, थोड़ा क्रिएटिव कर लेते हैं क्योंकि अब कुछ टाइम बाद वैसे भी हटा के उसे वाइट वॉश तो कराना ही पड़ेगा। तो थोड़ा टेक्निक अपनी, थोड़ा क्रिएटिविटी दिखा लेते हो जब तक पेंट नहीं होता है, यानी टाइम का यूटिलाइजेशन। चलो ठीक है, अभी बच्चे स्कूल गए हुए हैं, जैसे स्कूल से आएंगे उसके बाद उनसे भी मिलते हैं। तब तक के लिए बाय। क्या चाहिए तुम्हें? मॉल जाके क्या खाएगा? कॉटन कैंडी। और ये देखो, इसको भी देखो कहाँ घुसा हुआ है। भैया सही है, ये भी है मम्मा, सही मजे ले रहा हूँ। छी गंदा। आज ओली को मैंने ये नया गेम दिया है, नैतिक का बचपन का है, और कुछ कुछ से आवाज आ रही है तो ओली देख के रिएक्ट करेगा। ओलू 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 कैच ओलू। ओ ओ छूट गया, बांध रखा ना, कैच ओलू। इससे खेल रहा मस्त। अच्छा मम्मी, अली मली बच्ची इतनी छोनी बच्ची बन रही है तो ऐसे ही रहा कर, परेशान करता है बहुत। तो नैतिक स्कूल से आ गया और अभी प्रीशा का आने का भी टाइम हो रहा है, तो उनके लिए मैंने पहले ही दाल चावल सब रेडी कर रखे हैं। दाल में मैंने आज बनाई है गढ़वाल की स्पेशल मिक्स दाल, जिसमें हम भट राजमा और एक ग्रीन कलर की दाल होती है, एक ब्लैक की तो वो होती है ना उड़द की, और बाकी कुछ कुछ नाम मुझे पता नहीं है, मोट आई थिंक दाल भी डाल दिए शायद, पता नहीं एक या कौन कौन से कलर की दाल है सब मिक्स, मतलब समझ जाओ कि जितनी भी हैवी और मोटी मोटी दालें होती है सब डाल दी मैंने। बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है, पर अच्छे से बना होगा तो आज हम वो खाएंगे और साथ में खाएंगे सैलेड, और सोच रही चटनी भी बना लूँ मैं बच्चों को देखती हूँ। चटनी नहीं, रायता बनाएंगे, तो आई विल मेक रायता और आज हम वो खाएंगे। और नैतिक अपनी ड्रेस लेके आ गया है, ड्रेस में एज यूजुअल शर्ट एंड जीन्स। नैतिक यार इसके अलावा भी कुछ पहन लो, दुनिया है हमारी, क्या इसके अलावा भी कुछ और पहन सकते हो, आपके पास बहुत कपड़े हैं। अरे वो मैं बाद में पहनूंगी, बाद में। कब बच्ची? कल। कल? हाँ कल स्कूल आने के बाद। ओ तो स्कूल है? हाँ अच्छा, छुट्टी तो तू आज भी मांग रहा था सुबह उठ के, मम्मा गुच्छा तो नहीं करोगी, मेरे को छुट्टी चाहिए थी स्कूल की। कल करा दो ना। नहीं, 2-3 दिन तो जाना है, फिर छुट्टी तो पड़ी जाएगी। 2 दिन वाले? हाँ 3 डेज और जाओगे, फिर सैटरडे संडे की तो छुट्टी होगी ना।
पिताजी बेहोश नहीं होने का, चलो फटाफट कपड़े पहनो, उसके बाद हम प्रीशा को लेने जाएंगे और रात को मिलते हैं हम थोड़ी देर में, बाय। तो ये नहीं मेरी भटकी दाल, अभी मैं इसे दोबारा से गर्म कर रही हूँ और राइस भी बन चुका है। मेरे बच्चों को खाना दे रही, खाना लगा रही हूँ। और क्या तुम्हारा क्या चल रहा है, यहाँ क्यों खड़े हो तुम दोनों? ओ मैडम, अभी पागल जैसे हो रहा था। ओ हेलो, ओ मैडम, मैडम क्या लड़ाई कर रहे थे? नैतिक, ओ मैडम क्या होता है? नैतिक, ओ मैडम क्या होता है? तूने कैसे मारा दीदी को? ओ मैडम, ओ मैडम। प्रीशा रोते नहीं है, छोटे भाई की मार से भी मार खा ली तुमने। ओ सर पागल, सारी हुई पागल। लड़ाई नहीं। ओहो, तुम्हें क्या हाल कर रहा है? गाइस मेरा शॉट बहुत सी ज्यादा है। अच्छा, और मेरा शॉट कैसा लगता है? बहुत टेढ़ा। टेढ़ा? अरे अरे अरे, तकिया मत फेंको यार जगह जगह। चलो चलो हैंड वॉश करो, खाना लगा रही हूँ। चलो नैनू, चलो थोड़ी देर सो जाओ, फिर उसके बाद पढ़ाई करेंगे, ठीक है? सोना है, पहले सोना है कि पढ़ाई करनी है, ये बताओ। या शाम को प्ले करना है? शाम को प्ले करना है। तो फिर सो जाओगे तो शाम तो हो ही जाएगी अभी थोड़ी देर में। मम्मा ट्यूशन कब लगेगा? अभी तो लगना है ना। ट्यूशन लेके जाऊंगा। पढ़ाई करेगा तू? तो कहता है अभी सोऊंगा मैं। मम्मा भी लगाओ ना प्लीज, ट्यूशन लगाओ। अभी ढूंढने तो दे ढंकी। तो गाइस अभी मैं सोची इनको पढ़ा लेती हूँ, उसके बाद तो पता है। और देखो कुत्ता भी भौंके जा रहा है। क्या कर रही हो ये? पाउडर वेस्ट कर रही हो यार। बिंदी तो ढंग से लगा ले, बिंदी तो ढंग से लगा ले बे। आज के पता नहीं क्या नाटक शुरू हो रखा है इनका। मेरी आंखों में डालो, पागल है क्या? ए गधी, मम्मा इसने मेरे आंखों में भी डाला। ऐसे नहीं डालते बेटा, अंधे हो जाएंगे। नैतिक यार ये खेल किसने सिखाया तुम लोगों को? मैंने नहीं खेला ये। प्रीशा अपने आप लाती है ना गंदे गंदे खेल, इधर करी मुंडी तोड़ू आज। मैं इनको थोड़ा सा पढ़ाऊंगी और आज प्रीशा का तो मुंह टेढ़ा कर दूंगी, मुंह टेढ़ा कर दूंगी। इसके साथ ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ना एक्चुअली मुझे, इसलिए। अब प्रीशा, हाँ मैंने ऑलमोस्ट नैतिक का तो होमवर्क हो गया, प्रीशा पढ़ाई कर रही है एज यूजुअल, लेट है लड़की। ये देखो आ रहा है समझ में तुझे? पक्का सही करा है ना? अब लास्ट के दो क्वेश्चंस रह गए हैं आपके, ये वाला और ये वाला। इसके बाद मैं आपसे कल का ईवीएस के क्वेश्चन आंसर पूछूंगी, याद है ना तुम्हें जो हमने कल और परसों याद किए थे? पूछने है ना ये? पक्का याद है ना प्रीशा? नहीं तो देख ले, ये टांग रेडी है मार खाने के लिए इससे। ये वाला की ये जैसे कि होमवर्क करती है तो उसके बाद मैं यार अभी ना काफी देर से, अरे तुझे क्या? मैं ना अभी कुछ पोर्शन मैंने ना रिकॉर्ड किया था और देखा मैंने रिकॉर्ड का बटन दबा ही नहीं और मैं इतनी देर से बक 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 कर रही हूँ, सब कुछ दिखा रही हूँ, मेरा तो पोपट हो गया। अब दोबारा से रीशूट करना पड़ेगा, पर फिर वो फेक हो जाएगा ना, पर कुछ तो करना पड़ेगा। अगर इस वीडियो ने आते हैं 3 लाख के लाइक्स तो मम्मा करेंगी एक चैलेंज। कौन सा चैलेंज? कौन सा चैलेंज? मम्मा अपने बालों को कराएगी नीला कलर। ठीक, हाँ देख लेना। और तेरे बालों को करूंगी पीला कलर, पॉटी जैसा। नहीं नहीं पिंक। पिंक आधा यहाँ से नीचे ना ब्लैक और यहाँ पे ऊपर। तो तेरी मैम तेरे को मार मार के टकला बना देगी, बोलेगी आ जा बेटा फैशन करा दूं तुझे, पढ़ाई तो आती नहीं है, पिंक बन के आई हो। मैम को भेज दूं ये वीडियो? वेरी गुड, अब तो मेरे पास इसको ब्लैकमेल करने के लिए वीडियो है। कट इस व्लॉग ना आएंगे 3000 के लाइक्स तो मैं अपने कराऊंगा बॉय हेयरकट। ओ माय गॉड, जैसे कि पूरी दुनिया मरी जा रही है तेरे को बॉयकट देखने के लिए। अच्छा हुई अभी फेमस नहीं हुई, फेमस होती तो पता नहीं क्या करती। गाइस गाइस, तब तो मुझे लगा तू एक आईब्रो भी मुंडवा देती अपनी, है ना? नहीं, हाँ सब कर लेगी। गाइस गाइस मम्मा की होगी गाइस शेविंग। ऐ गंदी बात ही नहीं बोलते। गाइस गाइस, अगर प्रीता हमने आईब्रोस कटवा देगी तो उसका माइंड कैसे चलेगा?
माइंड थोड़ी कटाऊंगा बेटा, माइंड तभी कटवाएगी ना जब होगा। अब देखो यार, हम मजाक कर रहे हैं, हम सब मजाक के मूड में। प्रीशा अपना मुंह टेढ़ा कर दी। प्रीशा सब गाइस देख रहे हैं, गाइस देख रहे हैं, गाइस गाइस देख रहे हैं, गाइस तेरे आंखों में आंसू देख लेंगे, गाइस देख रहे हैं तेरे। इसने तेरी तो ले, 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 ले। गाइस को दिखा अपना थोड़ा रोता हुआ। हट हट बोली तू उनको। हाँ तो यार फाइनली प्रीशा भी पढ़ के चली गई है और मैं सरप्राइज्ड हूँ और खुश भी हूँ बहुत कि आज यार उसने इतना अच्छा से परफॉर्म किया जो मैं पिछले 10 दिनों से उसको याद करा रही हूँ। फाइनली उसके दिमाग में घुस गया और उसने कहा भी है कि आज मैम ने ओरल टेस्ट लिया था, मेरे से भी पूछा था और उसने जवाब दिया है। तो मैं बहुत सरप्राइज भी थी, खुश भी थी यार, चलो शुगर है कुछ तो कर रही है। तो ठीक है, अब ज़्यादा उसे फोर्स नहीं करूँगी। अभी आएगी खेल के तो मुझे रिटर्न वर्क करके दिखाएगी, तब मुझे थोड़ा तसल्ली होगी कि स्पेलिंग्स में भी मिस्टेक्स नहीं कर रही है, नहीं तो स्पेलिंग्स के ही मार्क्स कटते हैं इसके हमेशा। तो इसका तो हो गया, अब रात के लिए डिनर की प्रिपरेशन भी करनी है। अब व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा तो इस व्लॉग, इसके आगे का जो व्लॉग होगा वो आगे कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही करते हैं। आज डिनर में इनके लिए बनाऊँगी सोया चाप जो इनको बहुत पसंद है और मैं भी अच्छा बना लेती हूँ, और वो उसका एक फ़ायदा भी हो जाएगा ना, अगर वो बनाऊँगी तो कल लंच में स्कूल के लिए ये भी पैक करके दे सकती हूँ, यू नो माइंड गेम्स। पर ठीक है ना, सुबह फिर भी बनाना ही पड़ता है एक्स्ट्रा। दूध के साथ क्या खाएंगे, टोस्ट खाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी खाना, वो भी तो बनाना ही है ना। क्या हो गया, जो चीज़ पसंद है इंसान को वो करना चाहिए, फालतू में नाटक नहीं करना चाहिए ज़्यादा। नहीं ठीक है यार, चलो जाती हूँ फिर मार्केट बनाती हूँ, उससे पहले मेरे को ये एडिट भी करके डालना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अरे यार ये स्लिप ऑफ टंग इतना क्यों होता है, नहीं जल्दी नहीं बोलूँगी यार। हाँ मैंने आज सुना है, मेरी भाभी मुझे कह रही थी कि यार तू व्लॉग बहुत जल्दी बनाती है तो थोड़ा धीरे धीरे बनाया कर, तेरे लिए कुछ कंप्लेंट्स आई हैं। मुझे थोड़ी हंसी आ रही है, एक्चुअली मैं जल्दी नहीं बनाती हूँ, मैं बोलती कभी कभी जल्दी जल्दी हूँ और कभी कभी थोड़ा धीरे धीरे बोलती हूँ, पर जब ज़्यादा जल्दी लगता है तो समझ जाओ मैं थोड़ा फास्ट कर रखा है, क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है तो मैं थोड़ा स्पीड उसकी 2x तक कर देती हूँ, इसलिए होता है वो। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आपको पता ही क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। ओके बाय।